इस वक्त हम मौजूद हैं सहरसा जिला परिषद कार्यालय के अंदर, जहां पे आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। और इस मतदान केंद्र का हम आपको नज़ारा दिखाएंगे कि सुबह से लोग अपनी मत का प्रयोग करने के लिए कतारबद्ध होकर खड़े हैं और यहां पे कुछ ही देर के बाद जो है कि अपना मत का प्रयोग करेंगे। और इस जो है कि आज का जो है कि मतदान को लेकर के जिला प्रशासन के तरफ से तमाम वो तैयारियां पूरी कर ली गई है और यहाँ पे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे COVID-19 को लेकर के भी यहाँ इंतजाम किए गए हैं। 2 गज की दूरी मास्क से ज़रूरी और सोशल डिस्टेंस का किस तरह से पालन कराया जा रहा है, ये देखिए, ये एक स्टिकर चिपकाया गया है फर्श पे, ताकि लोग खुद 1 मीटर की दूरी बना करके यहाँ पर खड़ा होकर के यहाँ से जाए। लेकिन गेट की अगर हम बात कर ले तो वहाँ पर सैनिटाइज कराया जा रहा है, थर्मल स्क्रीनिंग कराई जा रही है और जिसके बाद बूथ मतदान केंद्र के अंदर उन्हें प्रवेश करने के इजाजत दी जा रही है। यहाँ पे कई मतदाता यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप सुबह अपने घर से निकले हैं मत का प्रयोग करने के लिए, कैसी सरकार की निर्माण करेंगे आप बताइए। आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद लुकमान अली। लुकमान जी, आप अपना मत का प्रयोग करने आए हैं, आप कैसी सरकार की निर्माण करने का जो है कि संकल्प लेकर के आए हैं? सरकार की बात तो छोड़िए, सबसे पहले हम यहाँ जिस स्थानीय मुद्दे पर जो है इस बार मतदान करेंगे, ताकि हमारे शहर की स्थिति जो बदतर है वो सुदृढ़ हो, ऐसे प्रत्याशी का चयन हम करने जा रहे हैं जो हमारे सुख दुख में, हमारे समझ जो शहर के अंदर जो दिक्कतें हैं, चाहे वो सड़क की हो, जल जमाव का मामला हो, चाहे वो आपको सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार का मामला हो, जो इस सब पर अंकुश लगा सके, ऐसे प्रतिनिधि को हम लोग आज इस बार चुनने का काम करेंगे। तो लोग भ्रष्टाचार और स्थानीय मुद्दा, इन सब जो है कि मुद्दे को लेकर के मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच चुके हैं और यहां हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इनमें महिलाओं की भागीदारी काफ़ी देखी जा रही है। इन चारों तरफ आपको नज़ारा हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि महिला और पुरुष दोनों मतदाता लाइनअप होकर के यहाँ पे मतदान करने के लिए आए हैं। और आज हम और भी लोगों से बात करने की जो है कोशिश करेंगे कि आप अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुँच चुके हैं, कैसी सरकार के निर्माण करना चाहेंगे? जी, मैं अपने मत का प्रयोग करने पहुँचा हूँ। मैं जो भी सरकार का अपेक्षा करता हूँ वो हमारे शहरवासियों के हित में, सपोज़ कॉलेज, स्कूल, सरकारी जो भी संस्था है, जो अभी भ्रष्टाचार से पूरी तरह लेस है, उसे मैं इस चीज़ से मुक्त कराना चाहता हूँ, सरकार के अच्छी सरकार को चयन करते हुए। सुबह सुबह आप मतदान केंद्र पहुँचे हैं अपना मत का प्रयोग करने के लिए, बाकी मतदाताओं को क्या मैसेज देना चाहिए? बाकी मतदाताओं को मैं यही देना चाहता हूँ, जो भी मतदाता जो आना चाहते हैं वो सवेरे आए और अपने मत का सही प्रयोग करके सही प्रतिनिधि को चयन करें। बिल्कुल, यहाँ पे लोग खुद अपना मत का प्रयोग करने के लिए आए हैं और दूसरे मतदाता से भी वो अपील कर रहे हैं। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से तमाम बिहार के लोगों से और जिन जगह मतदान हो रहा है उन लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग अपना मतदान केंद्र जाए और अपना मत का प्रयोग करें और अच्छी सरकार का निर्माण करें। शौकत अली, सहरसा।